BJP leaders in the national capital have now come in support of Maliwal and demanded action in this matter. They've hit out at the Aam Aadmi Party and Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, demanding his resignation. Let's quickly listen into some of the reactions that have come in. इसको जो उनके साथ मारपीट मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी के निवास पर हुई उसकी कंप्लेंट दी, लेकिन हैरानगी की बात है अरविंद केजरीवाल जी जो औरतों के सम्मान की बात करते हैं किस कदर बेशर्मी है उनके चेहरे पर कि अभी भी उस बेबब कुमार को जो उनका पीए है जिसने स्वाति मालीवाल जी के साथ मारपिटाई की, उनको बुरी तरह से पीटा और सुनीता केजरीवाल जी के कहने पर पीटा, ऐसे बेबब कुमार को अभी भी अरविंद केजरीवाल जी अपने साथ लिए घूम रहे हैं। लखनऊ में भी वो बेबब कुमार उनके साथ थे और पंजाब में भी। आप अब समझ सकते हैं दिल्ली के लोग या अरविंद केजरीवाल सत्ता के लिए किसी हद तक भी गिर सकते हैं। दिल्ली पुलिस 3 घंटे लगाकर स्वाति मालीवाल जी उनको अपनी कंप्लेंट दे रही है और जो उसमें अंदर मुख्य अक्यूज है बेबब कुमार, वो अरविंद केजरीवाल जी का चहेता बनके उनके साथ घूम रहा है, क्योंकि बेबब कुमार अरविंद केजरीवाल जी का राजदार है, शराब घोटाले का राजदार है। और मैं यह भी अब मांग करेंगे हम लोग, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने स्वाति मालीवाल जी को पिटवाया है, ऐसे में उनका यह दूसरा ऑफेंस है और सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान लेना चाहिए इसको, और सुप्रीम कोर्ट को उनकी जमानत रद्द का जो है वो चुनाव तक भी रद्द करनी चाहिए। ऐसे अक्यूज्ड का जो बार बार ऐसा क्राइम कर रहा हो वो बाहर नहीं खुला घूमना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को इसका जरूर संज्ञान लेना चाहिए। आखिर बहन स्वाति मालीवाल ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है और जिस बात का हम संदेश जाहिर कर रहे थे कि उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया है वो उन्होंने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया है, और पुलिस ने भी विभव कुमार के खिलाफ 354, 506, 509 और 323 IPC की धारा लगाते हुए FIR दर्ज की है। मैं अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं, जब स्वाति मालीवाल के साथ इस तरह की घटना आपके आवास में हुई आप उस समय घर में मौजूद थे, आखिर क्यों आपने एक महिला पर अत्याचार होने दिया, क्यों आपने रोकने की कोशिश नहीं की, क्यों आज 4 दिन तक आप चुप्पी रख के बैठे हैं। मैं अब भी आपसे कहता हूं कि अगर थोड़ी सी भी गैरत है तो तुरंत विभव को पुलिस के हवाले करें। पूरा देश, पूरा समाज स्वाति मालीवाल और हर उस महिला के साथ खड़ा है जिसके साथ इस तरह की कोई भी दुर्घटना होती है। पॉलिटिक्स होना भी नहीं चाहिए, एक बहन का ऊपर उनका साथ पॉलिटिकली हमारा कोई आइडियोलॉजिकली वी आर नॉट अलाइन, लेकिन जब कहीं भी माताओं का ऊपर अत्याचार होता है, बहनों का ऊपर अत्याचार होता है, आवाज उठाना हमारा काम होता है। स्वाति मालीवाल जी ने दिल्ली पुलिस को कंप्लेंट दिया है, स्टेटमेंट भी दिया है, उन्होंने साथ में ये भी बोला है कि मेरा साथ जो हुआ है वो बहुत ही बुरा हुआ है। अभी प्रश्न यही है, अगर बहुत बुरा हुआ है अरविंद केजरीवाल जी चुप क्यों रहे? उनका सामने जब बुरा हुआ था अरविंद केजरीवाल कहाँ था, वही रूम में था कि नहीं था? अगर इतना बुरा हुआ है जो स्वाति मालीवाल जी का ही भाषा है कि मेरा साथ जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है, तब अभी भी वो व्यक्ति को लेके केजरीवाल जी क्यों घूम रहा है? केजरीवाल जी उनका ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेता है? मतलब हमारे जो एलिगेशन था वो केजरीवाल अभी ये केजरीवाल नहीं है, केजरीवाल अभी एक क्रिमिनल बन चुका है। ये आज का स्वाति मालीवाल का ट्वीट से इसको दोबारा पुष्टि मिलते है। देखिए कहीं ना कहीं आप पार्टी को और केजरीवाल जी को समझना पड़ेगा कि किसी भी मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर का OSD को उसको किस तरह उसकी ट्रेनिंग में जनप्रतिनिधियों के साथ और खास करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ किस तरह की चीजें ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे सिखाया जाता है, और ये तो एक लेडी के साथ और जो सांसद है उसके साथ मारपीट हो गई, तो 5-6 दिन तो इन्होंने लगा दिए उसको एक्सेप्ट करने में, और उसके बाद भी केजरीवाल जी अपने साथ लेके उनको घूम रहे हैं, तो समझ नहीं आ रहा देश में क्या मैसेज देना चाहते हैं। हम इसकी जोरदार निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि केजरीवाल जी तुरंत उसे अपने पास से हटाएं और उन्हें खुद पुलिस को सौंपें
और कानून सबके लिए एक जैसा, चाहे कोई चीफ मिनिस्टर है, चाहे कोई चीफ मिनिस्टर का ओएसडी है, और देश का सांसद होने के बाद भी ऐसी घटना देश में घट रही है, तो फिर जो कह रहे हमको हैं, एनडीए को हैं कि संविधान खतरे में है, प्रजातंत्र लोकतंत्र खतरे में। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ स्वाति मालीवाल जी का कि उन्होंने पुलिस में कम्प्लेन दर्ज कराई। दो दिन के बाद उन्होंने अपनी चुप्पी को तोड़ा। एक बहुत ही उन्हें मेहनत लगी होगी, किस प्रकार की वो ट्रॉमा से गुजर रही होंगी, ये सोचने की बात है कि ऐसी मजबूत महिला, इतनी पढ़ी लिखी महिला जो कि महिला आयोग की अध्यक्षा रह चुकी हैं और अभी वो हमारी सांसद भी हैं राज्यसभा की, ये सोचने वाली बात है कि उन पे क्या बीत रही होगी। भारतीय जनता पार्टी महिला प्रदेश अध्यक्षा होने के नाते मैं और मेरी पूरी टीम, हम सभी उनके समर्थन में आज उनसे मिलने गए थे। उन्हें हमने पत्र दिया, पत्र उन तक पहुंचा, बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि उन्होंने पुलिस को अपनी पूरी कहानी बताई जो उन पे बीता है और कंप्लेंट दर्ज किया। इससे एक दिल्ली वालों को और देश को एक कुख्यात अपराधी से निजात मिलेगी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.